वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज़। कैसे आप सभी? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा। सो गाइज़, आज आपको जैसे कि पता ही है कि हमारे मिकू राजा का बर्थडे आ रहा है, तो हम उसी के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं, मिकू के कपड़े लेने जा रहे हैं। और मैं, मम्मी, विशाल जी और डैडू भी जा रहे हैं साथ में शायद, या मम्मी जा रही है पता नहीं, पापा का पता नहीं, बट हम तीनों तो कन्फर्म जा रहे हैं। और आ जाओ जल्दी, ठीक है? और अभी बस मैंने अपना सारा काम वाम ख़त्म कर लिया है और खाना पीना सब हो गया, सब ए टू जेड काम हो गया। अभी बस हम जा रहे हैं नीचे, मैं जा रही हूँ नीचे, रेडी हो गई हूँ मैं, और विशाल जी आ रहे हैं पीछे से। और क्योंकि शाम को तो टाइम नहीं मिलेगा तो इसी टाइम जा रहे हैं, और देखते हैं कि क्या अच्छा मिलेगा क्या नहीं। ये बाहर वाला पंखा बंद मत करके आना। सो सुनगी, लड्डू बैठे हैं, पंखा क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा लड्डू बैठे हैं। चलो गाइस चलते हैं। हाँ मीडियम है, ज्यादा छोटा लग रहा है। थोड़ा बड़ा साइज ही रहना चाहिए, छोटे तो उसको इतने धरे हैं जिसकी कोई हद नहीं। सेम है क्या? खोलना है इसको, इसे भी खोलो। ज़्यादा लंबी नहीं लग रही है, ये ठीक है, लंबी ना है, ये ठीक है। देखो 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 दस परसेंट का डिस्काउंट है सभी पे। फिर वापस कर लेगा, तेरह पैर देख लेगी, चौदह में वापस कर लेगा, पंद्रह तक का टाइम दिया, सूख गया वापस नहीं करेगा। हम आ चुके हैं घर और ये देखो शॉपिंग करने आया, थक गए बहुत। तो अभी गाइज मैंने घर आके बस चाय बनाई है, ये देखो मैंने चाय डाली है नीचे के लिए, और टाइम आप देख सकते हो कि 4:15 हो रहे हैं, और मैं इनको उठा देती हूँ, ये थोड़ा लेट गए थे, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हाँ जी भाभी, हेलो, चलो चलो चाय, मैं चाय ले, आप चाय ले लो भारी साहब, मैं बुगली को ले लेती हूँ, बुगली की कटोरी ले लूँ, ताए पिएगा मेरे बेटा। चलो गाइस नीचे चलते हैं और हम चाय पीते हैं, और टाइम हो गया, भूखी भी लगी है ना। चलो ये बंद कर दो पंखा, ये इसमें रख लूं क्या? मेरा पापा जला दे, इसमें डाल दो, मेरी में भी डाल तो जाओ, तुम्हारी मेरी कहाँ गई? पापा मेरी है वो झूठी, आपको पता ही नहीं चला मेरा गिलास। तुम वहां डर गई? नहीं मैंने तो यहाँ रखी अपनी, तो यहाँ पे भी बैठ कर बता, जमी कहाँ है? इसमें डाल दिया मेरा। हाँ डाल जमी कहाँ, डाल जमी कौन सी दाल? डाल जमी जो जब आए उस दिन,
तो खत्म हो गई। अरे बड़ा सा पैकेट हो, उसमें दाल पल्ले वाले डिब्बे पड़े। अच्छा वो बेसन वाली। तो गाइस हम सब पी रहे कोल्ड ड्रिंक रात के 8 बजे। हमारा आ रहा ओड। चलो भाई हम चलो। तो गाइस अभी हम आपकी तो तबीयत खराब हो रही थी, सुबह कोल्ड हो रहा था, अब ठीक है। दुकान बंद हो जाएगी जल्दी, चलो। चल गया। चाबी वाली नहीं, चाबी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? होप सब सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस मैं अभी बस अभी नहा के और अब मैं जा रही हूँ शाल जी के साथ मंदिर, क्योंकि मुझे प्रसाद चढ़ा के आना है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी, ठीक है? तो चलो चलो बाइक से चल लो। पापा जा रहे हैं क्या कहीं? तो गाइज मैं ना अपनी वॉच भी लेके जा रही हूँ ये वाली, क्योंकि इसकी ना सेल खत्म हो गई है, तो साथ के साथ वो भी करा रहे हैं। गाइज आ गए हैं मंदिर, ये है मनसा देवी मंदिर, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। अभी हम प्रसाद ले रहे हैं, इधर शनि मंदिर है, प्रसाद जी प्रसाद ले रहे हैं। अभी थाली ले लिया हमने, सो गाइज मैं और विशाल जी आए थे यहाँ पे बेकर्स पे, क्योंकि हमें कुलचे लेने थे। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले कुलचे, और इस वजह से हम मंदिर से सीधा यहीं पे आ गए। तो हमने यहाँ पे 3 पैकेट ले लिए थे, और फिर उसके बाद हम लोगों को एक अपनी वॉच भी ठीक करानी थी, वो भी हम लोगों ने करा ली है। हम सोचा कि साथ साथ ये वाला काम भी फिनिश करके चले। तो गाइस ये मैं उबाल रही हूँ मटर, आज बनाई छोले कुलचे। बस ये बहुत अमती हो गई है, और यहाँ पे मैं लेके आई कुलचे, ये देखो, ठीक है? इनको हम सेकेंगे अभी। पहले मैं बस टमाटर प्याज काट दूँ, मेरे पति को भूख लग गई बहुत तेज, ठीक है? चलो फटाफट से प्याज काट काटा। मैंने प्याज काट ली, ये खीरा काट लिया, टमाटर काट लिए, और ये है मेरे इमली का पानी। बस ये मेरी मटर, ये बिल्कुल मैंने उबाल के रखी थी, ठंडी भी हो गई है। और यहाँ पर मेरी प्याज कट गई, खीरा, ये टमाटर कट गए, ये हरी मिर्च, और ये मैंने थोड़ा सा लिया इमली का पानी। और अब हम इन्हें बनाएंगे, और मम्मी उधर काट रही है हरा धनिया जो कि इसमें डलेगा। बस मैं हरे धनिया का वेट कर रही हूँ, फिर हम अपने कुलचे फेंकेंगे। गाइस ये लिए मैंने, ठीक है, मटर। अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करती हूँ। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ा अच्छा। सा इमली का पानी, मैं सोची भून कर डालेंगे, ठीक है? नहीं, चाट सी हो जाएगी, ठीक है? हम इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये वाले टमाटर सारे, ठीक है? टमाटर का पानी भी डाल देंगे अच्छे से, ठीक है? ये जो सारी, ये जो प्याज है, ये भी मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, ठीक है? और मिर्च काटी है मैंने, ये भी मैं इसमें हरी मिर्च काट दूंगी, ठीक है? और ये लिया मैंने हरा धनिया, और ये हरा धनिया डाल दूंगी इसमें, थोड़ा सा बचाऊंगी कुलचों के लिए, ठीक है? ये डाल दिया। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, ये है धनिया, थोड़ा धनिया पाउडर,
हल्की सी लाल मिर्च डाल दूंगी, बिल्कुल ना मात्र, क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत सारी डाली है। ठीक है गाइस, लिया है चाट मसाला गाइस, मैं ये चाट मसाला डाल दूंगी अच्छे से। ठीक है, और ये जो नींबू है आधा नींबू डालेंगे। मैंने लिया नींबू, नींबू डाल देंगे, पूरे दो नींबू निचोड़ दूंगी गाइस मैं। ठीक है गाइस, अब मैंने डाल दिया नींबू, अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी बस। गाइस ये लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे घी डालूंगी थोड़ा सा। लस्सी ले ली बाबा, वो जो कैसे लग रहे काम। अभी आए हैं हम फर्स्ट फ्राई पर मिट्टी के लिए कुछ देखने। चलो कितने साल तक का बच्चा चला सकता है ये? तो 5 साल तक चलेगी, 5 साल बाद में ना जब बच्चा बड़ा हो जाएगा मतलब खुद से चलाने लगेगा तो ये चीजें ना रिमूव हो जाती हैं, ये भी हट जाएगा, ये भी तो नॉर्मल ट्राई साइकिल होते हैं ना उसके जैसे बन जाएगी। फिर ये चीज हट जाएंगे, अलग हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, उनको चलाने के लिए बैग में भी स्टोरेज अच्छा है इसका, सामान वामान रखने के लिए। तो फिर ये आपको 5.5 की, ये भी ये 3 साल वाला जब चला लगे जब तो चला लगे। ये तो बिल्कुल इसमें कुछ वो नहीं है, उसमें जैसा पैटर्न हैंडल है ना पीछे से सिलाने के लिए कोई भी सिलवा सकता है, तो वो इस... अच्छा ये गद्दे वाला है। हाँ। सर इसकी रिंग तो नहीं, ये पड़ेगा पैक पीस रखा है इसका दूसरा, वैसे पड़ेगा 4.5-5 का। ये क्या चीज है, ये वाले कितने की है भैया? फिर कोई कस्टमर आगे सोचता है कि जी हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, उसको हमके लिए फिर एक आदमी लगी पर उसके फायदे बहुत है कि नहीं, वो लाखों करोड़पति बना दे फिर अगर एक बार काम चल जाए तो आपको सांस भी नहीं आएगा। चार दिन और पहले आ जाते ना, बहुत माल भरा हुआ था। चलो कोई तो आ जा रहा माल, आ जा रहा पूरी डिग के लिए लगी, तब ये तब बड़ी बड़ी बाइक है भाई।
हेलो गाइस, आज हम आए मेरठ की घंटाघर मार्केट में, जहाँ पे बच्चों की टॉय शॉप है ये। और आप, ये भैया ओनर है शॉप के। और गाइस, आप एक बार कलेक्शन चेक कीजिए, ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ हैं ना कि आपको कहीं मिल ही नहीं सकती यहाँ पे। और गाइस, ये खुद इनको वो तैयार करते हैं गाड़ियों को, और इतने इतने रिजनेबल प्राइस है ना कि आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। ये गाड़ी देखो बच्चों की है, आप चला के दिखाएंगे भैया, एक बार चला के दिखाना। ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, ये ऐसे इस तरीके से ना डांस कर रही है अभी गाड़ी, और रिमोट से भी चलती है। भैया अभी आपको रिमोट से चला के दिखाएंगे। पूरा चार्ज होती है ये गाड़ी, कंटिन्यूसली 2 घंटे चल सकती है एक बारी के चार्जिंग से। ये देखो, ये देख रहे हो आप सब। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर, और हमने मीको के लिए बहुत अमेजिंग सी शॉपिंग की है। और गाइस, उसके लिए बहुत क्यूट सी चीज ली है, जो कि मेरा मन था। मैंने कल से मेरे मन में यही था कि मेरे को यही लेनी है, उसके लिए यही लेनी चाहिए, और कुछ फालतू चीज़ नहीं लेनी है, कुछ अच्छी चीज़ ही लेनी है। और कसम से इतनी प्यारी चीज़ खरीद के लाए हम उसके लिए, एंड वो भी बहुत हैप्पी होगा। अभी तो छोटा है, उसको समझ भी नहीं आती होगी, पर वो बहुत अच्छी चीज़ लाए हैं उसके लिए। मैंने कहा यार, 70 चीज़ लेने से एक चीज़ लो अच्छी, लो जो देखने में लगे कि हाँ कुछ चीज़ है। सो गाइज, मेरा काम भी ऐसे ही पड़ा है, और मार्केट से हम आए हैं। अब टाइम देख सकते हो आप, 4 बजने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलूंगी। मैं अपना काम निपटा लूँ जल्दी से, आज काम सारा यूं ही पड़ा है, और लौटना तो खैर मिला ही ना रात से पहले अब तो, क्योंकि अब काम करेंगे फिर चाय वाय का टाइम हो जाएगा ना। जा ठीक है, चलो गाइस। लड्डू बैठे इधर, और हम अभी चाय पी है बस, यहाँ पे बैठ के थक गए हैं। और होप्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो हमें आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस, आई लव यू, बाय।